अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कल सुबह जब मैं उठी ना तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ कर लूँ। अभी छुट्टियों पे हूँ, मेरी 3-4 दिन में छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी ऑफिस की, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो दो घर की जो दो चार चीज़ें हैं ना वो मैं कर लूँ। मैंने सोचा कि मैं कपड़े सी लेती हूँ। जब कपड़े सीने गई तो पता नहीं इस्त्री को क्या हुआ था, आयरन जो है ना इतने रस्टी हो रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी ठीक कर लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े वपड़े जो सीने के थे वो साइड पे हटाए, और मेरा शौक़ जो है ना पहले बहुत ज़्यादा था स्टिचिंग करने का, पर अब अचानक से जो है ना मेरा दिल किया कि मैं ना स्टिचिंग स्टार्ट करूँ। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए गई हूँ तो इस्त्री हमेशा ठीक होती है, पता नहीं इस पर क्या ऐसा लग गया था, किस चीज़ के ऊपर मैंने रख दी गरम गरम, ये ना ऐसे काले काले निशान पड़ गए। और जैसे मैं आयरन करने गई पहले से कपड़ा पकड़ा और फिर इसको जो है ना जला दिया। फिर खैर WD-40 मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा हो सकता है कि यार इससे साफ़ हो जाए, इस पर लिखा हुआ था कि रस्ट सही कर देता है। भाई ये नहीं होने की, इतनी मैंने ट्राई की। फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो क्लोरेक्स भी ले के आई, मैंने कहा चलो इसमें एसिडिक होगा, क्लोरेक्स डाल के कुछ साफ़ कर दूँगी, वो भी नहीं हुई। खूब सारी मैंने मेहनत की है, खूब सारी ट्राइयाँ मारी, इस्त्री गर्म पे भी डाला, ठंडे पे भी डाला। अब डर भी रहा था यार ये एसिडिक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो ना प्लग इन करूँ और शॉर्ट सर्किट हो जाए। फिर खैर ट्राई करती रही करती रही, खूब हाथ भी जल रहे थे, सब कुछ था, मगर ये है कि ना भाई ये इतने ज़िद्दी दाग पड़ गए थे ना इसके ऊपर, इसने नहीं ठीक होना था। खैर सारी ट्राई करने के बाद मैंने इससे मांगी माफ़ी, और उसके बाद मैंने कहा ठीक है बहन तुम नहीं ठीक होना, तुम मत ठीक हो। अच्छा ये जो है ना ये मेरा स्टोर रूम है, मैंने एक रूम को ना स्टोर रूम बनाया हुआ है, इसके अंदर मेरी सारी कबर्ड्स, आयरनिंग, एक एक्स्ट्रा बेड पड़ा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है, इसके ऊपर मैट्रेस नहीं है। यहाँ पे मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ धो के, गंदे कपड़े रखे होते हैं, चप्पलें रखी होती हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ रखी होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है और मैं क्या कर रही थी आज। हाय हाय, पहले मैंने पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी और पता लगा रिकॉर्डिंग का बटन ही दबाया। हम तो ऐसे नलायक हैं ना यूट्यूब के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बटन क्यों नहीं दबते हमसे। खैर तो मैं ये बता रही थी कि मैंने दिन का स्टार्ट किया अपने, पहले स्टिचिंग के माइंड सेट थे कि स्टिचिंग करेंगे, तो पहला इस्त्री में पता नहीं क्या चिपका दिया हमने, पहले वो ठीक की, फिर उसके हम ये दर्जी बन गए। और ये दर्जी बनने में हमारी मशीन में हमसे नाराज़गी हो गई कि भाई तुमने मुझे पिछले 2 साल तो इस्तेमाल नहीं किया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा भाई निकाला है तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए निकाला है। तो फिर इन्होंने 3-4 दिन पहले मुझसे माफ़ी मांग ली थी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तो मुझे पहले घुमा के लेके आओ बाहर। फिर मैं इनको रिपेयर शॉप पे लेके गई, इनको रिपेयर कराया, इनको ब्यूटी पार्लर से इनको पूरा मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया, इनकी मालिश करवाई, मगर घर आके ये थोड़ी बहुत अभी ज़िद्दी थी, धागा तोड़ रही थी, और 2 बार सुइयां भी तोड़ी। इन्होंने मुझे खूब नाक में दम दिया, एक शर्ट को सीने में। मैंने कहा यार ये टेलर जो है वाकई में कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे हमारे कपड़े नहीं सीते होंगे, कि बहन तुम्हारे कपड़े नहीं सीने, मैंने तुम्हारी वजह से मेरी मशीन की सुइयां टूटती हैं, धागे टूटते हैं। एक्चुअली ये जो कपड़ा था ना इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ओवरऑल जो चिकन के नहीं होता वो था, सुई जाए ठक करके नीडल टूट जाए। फिर खैर मैंने जो है ना यूट्यूब से ट्यूटोरियल निकाला, इसलिए जो है ना थक गई थी मैं भी कि यार सिर्फ अकेले बैठ के ये कर रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, कोई वीडियो सुन भी नहीं रही, देख भी नहीं रही, अपनी बना रही हूँ, और अपनी जो बना रही हूँ वो भी काम करने को तैयार नहीं है। भाई यार ऐसा भी क्या हो जाता है मेरे साथ, ये जो काम करने जाओ वो बन ही नहीं रहा है। आप लोग को किसी को पता हो कि भाई कभी कभी किस्मत ऐसी हो जाती है कि जिस चीज़ को हाथ लगा वो सोना बन जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, और कभी कभी किस्मत ऐसी हो जाती है जिस चीज़ को हाथ लगा वो काम नहीं होता। तो आजकल मैं उस जोन से गुजर रही हूँ, जिस चीज़ को भी हाथ लगाती हूँ वो काम नहीं होता। पर खैर मैंने दुआएं शुआएं मांगी, मैंने कहा यार बस मुझे कुछ करना है, मैं पूरा दिन बहुत बोर हो गई हूँ। तो अल्लाह अल्लाह करके ये मैंने सुइयां चेंज की, धागे बदले, ये किया वो किया, उसके बाद जाके मैंने ये मशीन को थोड़ा ठीक किया और थोड़ी बहुत स्टिचिंग स्टार्ट की। काम स्टार्ट करने से पहले लग रहा था यूँ मैंने धागा डालना है, यूँ मैंने मशीन से जो है ना सिली हुई कमीज़ निकाल लेनी है, मगर नहीं भाई, उसने कहा कि बेबी तुम मुझे बड़े एतराज़ात हैं, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, इस जो है ना मनुष्य वर्ड गलत हो जाएगा, लोग जजमेंटल हो जाएंगे, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तो नहीं, बड़ी प्यारी सी मशीन ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया, बड़ा ही टफ टाइम दिया। ठीक है बहन तुम कर लो, तुम्हें जो कुछ करना है, हम तुम्हें क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, हम तुम पे डिपेंड कर रहे हैं। बनी मैंने प्यार प्यार से भी समझाने की कोशिश की, गुस्से से भी समझाने की, दो चार बीच में गालियाँ वालियाँ भी दे दी इनको कि यार क्या है यार तुम्हें ठीक नहीं होना क्या।
बड़ी वही जद्दोजहद के बाद हमने जो है इसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया और काबिल इस्तेमाल बनाया। वैसे तो ये वीडियो जो है तकरीबन 18-20 मिनट की थी, पर मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करके ना काबिल वॉच बना दिया। खैर फिर इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा था, ये कमीज़ इस तरह से निकल के आई और जो है तो बहुत 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 गलतियाँ हैं इसके अंदर। आपने मुझे बताइए कभी भाई कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। बहुत टाइम बाद जो है ना स्टिचिंग कर रही हूँ। फिर खैर शाम के टाइम पर मैं बाहर निकली, मेरी गाड़ी का बिल एक्सपायर हुआ हुआ था तो मुझे टैक्सी करनी पड़ी। 3-4 दिन में गाड़ी वाड़ी सब ठीक ठाक हो जानी है, मुल्की के बगैर मैं नहीं चला सकती ना, एक्सपायर हुई हुई फ़ाइन वाइन पड़ जाएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था तो मैंने टैक्सी पकड़ी और मैंने कहा उसको दानिया को, अपनी फ्रेंड ने मेरी, कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तो कहती हाँ चलो आ जाते हैं। फिर हम दोनों मिलके तरह एक काम था वो काम करने के लिए गए, मेरा तो हो गया उसका काम नहीं हुआ। फिर ठीक है जी नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर आज मुझे दोबारा जाना है। अभी बज रहे हैं दोपहर का 1, बाहर इतनी कोई शदीद गर्मी होगी, इतनी कोई शदीद गर्मी होगी, मगर क्या करूँ, मुझे लाजमी जाना है 2 बजे और एक काम निपटाना है। उसके बाद कल हो जाएगा संडे, संडे भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिर खैर हम गर्मी की वजह से कल रात को हमने जूस पीने चले गए, हेल्दी जूसेस। वहाँ पे पता है मैंने क्या किया, मैं पैसे देना ही भूल गई बेचारी तानिया को। अचानक से मतलब दिए ना पैसे उसने, मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा हाय मैं पैसे कैसे देना भूल गई। तो फिर उसके घर पे गई हूँ, घर पे जाने के बाद बैठी हूँ थोड़ी देर गपशप मारे हैं, वहाँ पे 3-4 दोस्त हैं हमारे, उनसे हमने बातें शातें की और हम घर आ गए। कल के व्लॉग में मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जो है मेरे पास परसों की एक वीडियो पड़ी, मैं वो भी डाल देती हूँ, जहाँ पे मैं बता देती हूँ कि हाय मेरे हाथ कितने बुरे हैं। मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि एक मतलब मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे हाथ जो है ना तुम्हारे हाथ कितने बुरे हैं, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, अपने हाथों को देखती रहती थी कि यार मेरे हाथों को कुछ हो गया कि कुछ हो गया, पर अंदर ही ना मेरे हाथ बड़े प्यारे हैं। खैर आप वो भी देखें और इन्जॉय करें और फीडबैक दें मुझे अपना कि मेरा ये बेकार सा ब्लॉग आपको कितना बेकार लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और ये ड्राइविंग सीट भी खाली है क्योंकि पीछे बैंक्स हैं। क्या है भैया, नेशनल बैंक ऑफ उमर कोइन और रासल खैमा और ये फैबुलस यानी कि फर्स्ट अबू धाबी बैंक। तो यहाँ पैसे जमा कराने और मेरे ख्याल से मुझे आदत पड़ गई है अकेले अकेले बातें मटारने की। अच्छा है या बुरा है मालूम नहीं, पर वल्ला बड़ी नींद आ रही है। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम्हारे जो हाथ है ना वो बहुत बदसूरत हैं, तो ज़रा मैं लाइट जला के पूछती हूँ कि क्या मेरे हाथ बदसूरत हैं। फिर अच्छे खासे हाथ तो हैं मेरे, क्या थोड़े से वो हुए मैं ड्राई हुए मैं, कोई बुराई है ना हाथों में, अच्छे खासे नाखून है मेरे छोटे छोटे से। उन्होंने कहा था देख अपने हाथ तो देखो जरा, अच्छा इतने बुरे वैसे कैमरे तो बुला ही बड़े बुरे आ रहे हैं, बदे आ रहे हैं, बुढ़े बुढ़े आ रहे हैं। ओ हाँ मैं कह तो ठीक ही नहीं थी, पर ठीक है यार मेरे हाथ है, किसी को हाथ देखना आता है। देखो मुझे ना कुछ दिखवाना था अपने हाथों में, तो मुझे बड़ा शौक है हाथ दिखाने का, तो मुझे कोई मिला नहीं जो मेरा हाथ देखे। ये मेरा दूसरा हाथ है, और इस अगर किसी को देखना आता है हाथ तो भाई देख के बताओ मेरे हाथों में कितना पैसा है। इस पैसे के लिए मैं YouTube पे आ गई हूँ, तो थोड़े अगर और ज़्यादा मिल जाएंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, बात बन जाए बात बन जाए। ये मेरे नकली डायमंड की रिंग है 45 दिरहम की, मगर यह है कि सिल्वर है शायद, तो काला नहीं हुआ अभी तक। और ये मेरे नकली ब्रॉन्ज की रिंग है, ये किसी ने मुझे दी थी पढ़ पढ़ा के अल्लाह वाले नाम के साथ ना, तो पहनी थी छोटी उंगली में, मगर मेरी काणी उंगली में ना ये आती नहीं है। ये ना बड़ी है मेरी क्या कहते हैं काणी उंगली के हिसाब से, ये वाली उंगली की फिंगर की रिंग बड़ी है। ठीक है तो मैं बताओ किसी को अगर हाथ देखना आता है
तो बराए मेहरबानी मेरा हाथ देख दे, ये मेरी लाइनें हैं और बड़ा शौक आया मुझे।